आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। देवघर के नए पुलिस कप्तान के रूप में पीयूष पांडे ने लिया पदभार। कहा, सुविधा के साथ सुरक्षा पहली प्राथमिकता होगी, जनता का सहयोग। नए एसपी के रूप में पीयूष पांडे ने पदभार लेने से पहले बाबा मंदिर गए और भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इसके बाद कार्यालय में पदभार लेने के बाद पत्रकारों से कहा कि देवघर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी, जिसमें प्राथमिकता के तौर पर इंटर स्टैंड बॉर्डर पर विशेष चौकसी बरती जाएगी। जिनको भी आवागमन के लिए पास निर्गत है उनकी प्रॉपर स्कैनिंग की जाएगी, जरूरत पड़ने पर उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। पहली प्राथमिकता होगी कि कोरोना के प्रसार को देवघर में ना बढ़ने दी जाए। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में जो बहुत एक बड़ी समस्या कोरोना महामारी की हमारे देश में और पूरे विश्व में छाई हुई है, तो इसको बचाने के लिए जो गृह मंत्रालय, राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसमें एक खास दिशा निर्देश ये है कि इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को बंद करना है, और अगर किसी को भी पास के द्वारा प्रवेश दिया जा रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग करके, और अगर उसको क्वारंटाइन करने की जरूरत पड़े तो क्वारंटाइन किया जाएगा। तो पूर्व से भी यहां पर इसका पालन किया जा रहा है और मैं निश्चित ही उसका दृढ़ता से पालन कराऊंगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह देवघर में कोरोना कोविड के और केसेस न आए।